assalam alaikum everyone welcome to Pak Edu Career Pakistan's most trusted YouTube channel for career counseling डियर स्टूडेंट्स पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से हर साल कमीशन ऑफर होता है इसमें परमानेंट कमीशन इन जनरल ड्यूटी पायलट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एयर डिफेंस कोर्स स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन इन इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन ब्रांचेस और शॉर्ट सर्विस कमीशन इन जनरल ड्यूटी पायलट फीमेल एयर डिफेंस एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ लॉजिस्टिक्स अकाउंट्स और मेट ब्रांचज ऑफ़र होते हैं ये कोर्सेज साल में दो बार ऑफर होते हैं पहली बार फरवरी या मार्च में और दूसरी बार जुलाई और अगस्त में एयरफोर्स की तरफ से ऑफर होने वाले इस प्रोग्राम का स्टूडेंट्स को बहुत शिदत से इंतजार रहता है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट तमाम कैटगरीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनमें शामिल हैं एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग एफ एस सी प्री मेडिकल आई सी एस मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर प्रोग्राम्स यहाँ तक कि पी एच डी भी कर ली है उनके लिए भी कोर्सेज़ हैं इस साल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और रजिस्ट्रेशन दो मार्च से आठ आज तक पाकिस्तान एयर फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpaf.gov.pk से होगी तमाम कोर्सेज की वन बाय वन डिटेल आपको बताते चलें सबसे पहले 150 जनरल ड्यूटी पायलट जीडीपी कोर्स जिसके थ्रू आप पाकिस्तान एयर फोर्स को पायलट के तौर पर ज्वाइन करते हैं इस कोर्स में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी में शामिल है कि कैंडिडेट की उम्र 18 अक्टूबर 2020 के मुताबिक 16 से 22 साल तक होनी चाहिए सिर्फ मेल सिटीजनज ऑफ पाकिस्तान ही अप्लाई कर सकते हैं और वो अनमेरिड हों हाइट कम अज़ कम फाइव फ़ीट फोर इंचज़ और आई साइड सिक्स बाई सिक्स विदाउट ग्लासेज हो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये है कि कैंडिडेट्स ने एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंसिस के साथ कम अज़ कम सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ कम्प्लीट किया हो या फिज़िक्स और मैथ या बायोलॉजी के साथ ए लेवल किया हो और इसका ट्रेनिंग पीरियड तीन साल का होगा और यहाँ यह बताते चलें कि इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेन्श है कि वो तलबा जो इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं वो भी होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके फर्स्ट ईयर में कम अज़ कम सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स हों इसके बाद वन जीरो एयर डिफेंस कोर्स जिसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की उम्र 18 अक्टूबर 2020 के मुताबिक 16 से 22 साल तक होनी चाहिए सिर्फ अनमैरिड मेल सिटीजनस ही अप्लाई कर सकते हैं हाइट कम अज़ कम फाइव फ़ीट फोर इंचेस हो और कैंडिडेट्स ने एफ एस प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस कम अज़ कम सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो या फिज़िक्स और मैथ या बायोलॉजी के साथ ए लेवल और इसका ट्रेनिंग पीरियड भी तीन साल का होगा इसके बाद 96 सिक्स एरोनाटिकल इंजीनियरिंग कोर्स जिसमें अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी में शामिल है कि कैंडिडेट की उम्र 16 से 22 साल तक हो इसमें मेल एंड फीमेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं और वो अनमेरिड हों मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 5 फ़ीट 4 इंचेस और फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम 4 फ़ीट 10 इंचेस हो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक फ़र्स्ट डिवीजन में किया हो और एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग कम अज़ कम सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ कम्प्लीट की हो या फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ ए लेवल किया हो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को कॉलेज ऑफ एरनाटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर से फ्री एजुकेशन दी जाएगी चूँकि ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम है इसलिए एरोनाटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में सिर्फ प्री इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और इसका ट्रेनिंग पीरियड भी तीन साल का होगा इसके बाद 150 जनरल ड्यूटी पायलट जीडीपी कोर्स फीमेल जिसके थ्रू फीमेल कैंडिडेट्स भी पाकिस्तान एयरफोर्स को पायलट के तौर पर ज्वाइन कर सकती हैं इस कोर्स में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी में शामिल है कि कैंडिडेट की उम्र 18 अक्टूबर 2020 के मुताबिक 16 से 22 साल तक होनी चाहिए सिर्फ फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ही अप्लाई कर सकती हैं और वो अनमेरिड हों हाइट कम अज़ कम 5 फ़ीट 4 इंचज़ और आई साइड 6 बाई सिक्स विदाउट ग्लासेज हो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये है कि कैंडिडेट्स ने एफ प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस कम अज़ कम सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो या फिज़िक्स और मैथ या बायोलॉजी के साथ ए लेवल किया हो और इसका ट्रेनिंग पीरियड तीन साल का है और आपको दोबारा बताते चलें कि इन चारों कोर्सेज़ यानी जीडी पायलट एयर डिफेंस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और जीडी पायलट फीमेल के लिए सेकंड ईयर के तलबा भी होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके फ़र्स्ट ईयर में एटलीस्ट 65 परसेंट मार्क्स हों एजुकेशन ब्रांच वन टू सिक्स करने के लिए कैंडिडेट की उम्र अठारह अक्टूबर दो हजार बीस के मुताबिक इक्कीस से तीस साल तक होनी चाहिए सिर्फ मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ही अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो मैरिड हो या अनमेरिड हाइट कम से कम फाइव फीट फोर इंचज हो इनकी चौबीस हफ्तों की ट्रेनिंग और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर होगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये है कि कैंडिडेट ने एम ए इस्लामियात कम अज़ कम सेकेंड डिवीजन में और पाकिस्तान के किसी मुस्तनद मदरसा बोर्ड से फारग फ़ाजिल दरस निज़ामी शहादत अलालमिया किया हो मैथमेटिक्स के लिए पी एच डी रिक्वायर्ड है उम्र इक्कीस से पैंतालीस साल तक हो और रैंक लीडर होगा इसके बाद अकाउंट्स ब्रांच वन टू सिक्स सी एस सी एस एस सी जिसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की उम्र अट्ठारह से तीस साल तक होनी चाहिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो मैरिड हों या अनमैरिड हाइट कम अज कम फाइव फीट फोर इंचज हो इनकी ट्वेंटी फोर वीक्स की ट्रेनिंग और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर होगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये है कि कैंडिडेट ने बी कॉम फोर ईयर बी बी ए फोर ईयर या एम कॉम एम बी ए या ए सी सी ए या ए सी एम ए या बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किसी भी ए सी सी पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिनिमम सेकेंड डिवीजन में किया हो एयर डिफेंस वन टू सिक्स सी एस सी एस एस सी इसमें एज लिमिट अठारह से तीस साल तक है सिर्फ अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम हाइट फाइव फीट फोर इंचज इनका ट्रेनिंग पीरियड एक साल और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर होगा कैंडिडेट ने चार साल बी एस सी बी एस बी ई या बी सी एस विद फिज़िक्स मिनिमम सेकेंड डिवीजन के साथ किसी भी एच सी रेकग्नाइज पाकिस्तानी या फॉरन यूनिवर्सिटी से किया हो इंजीनियरिंग ब्रांच वन टू सिक्स सी एस सी एस पी एस एस सी जिसमें एज लिमिट अठारह से तीस साल तक है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं मैरिड या अन बोथ मिनिमम हाइट फाइव फिट फोर इंचज़ ट्रेनिंग पीरियड ट्वेंटी फोर वीक्स और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर होगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये है कि कैंडिडेट ने फोर ईयर बी ई बी एस सी इंजीनियरिंग प्रोग्राम मैकेनिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया हो और कम अज़ कम सी जी पी ए टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फोर या एनुअल सिस्टम में सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट मार्क्स हों और कैंडिडेट के पास पी ई सी की रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स वन टू सिक्स सी एस सी एस एस सी नेशनैलिटी इज़ मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैरिड या अनमेरिड बोथ्स एज लिमिट अठारह से तीस साल तक मिनिमम हाइट फाइव फिट फोर इंचज़ इनका ट्रेनिंग पीरियड चौबीस हफ्तों का और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर है कैंडिडेट्स ने बी ए बी एस सी बी बी ए बी पी ए बी एस फोर ईयर एम एम एस सी एम बी एम पी ए कम अज कम सेकेंड डिवीजन में बी एस सी इंजीनियरिंग बी ई कम अज कम टू पॉइंट फाइव सी जी के साथ किया हो और इन सब केसेज में कैंडिडेट ने एफ एस सी लाजमी की हो मेट ब्रांच वन टू सिक्स सी एस सी एस एस सी एज लिमिट अठारह से तीस साल तक नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैरिड एंड अन मेरिड बोथ मिनिमम हाइट फाइव फ़ीट फोर इंचज़ ट्रेनिंग पीरियड ट्वेंटी फोर वीक्स और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर कैंडिडेट्स ने एम एस सी एम एस इन मेट एम एस सी फिजिक्स एम एस सी मैथमेटिक्स कम अज़ कम सेकेंड डिवीजन में की हो और फाइनली लॉजिस्टिक्स ब्रांच वन टू सिक्स सी एस सी एस एस सी एज लिमिट अठारह से तीस साल तक नेशनैलिटी मेल सिटीजनज मैरिड एंड अनमेरिड बोथ मिनिमम हाइट फाइव फीट फोर इंचज़ ट्रेनिंग पीरियड ट्वेंटी फोर वीक्स और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर हैं बी बी एस चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग और फाइनेंस बी एस सी एस बी एस आई टी बी सी एस बी एस फ़िजिक्स बी एस कमिस्ट्री बी एस मैथमेटिक्स बी एस इकनॉमिक्स बी एस स्टेटिस्टिक्स बी फार्मेसी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के तमाम डिसप्लिन करने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन सब केसेस में कैंडिडेट ने फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम मिनिमम सेकंड डिवीजन में किया हो सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि कैंडिडेट सबसे पहले डब्ल्यू से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे वेबसाइट के होम पेज पे मौजूद लिंक पे क्लिक करें रजिस्टर ऑनलाइन को सिलेक्ट करें और नीचे अपना सी नंबर लिख के सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें इसके बाद कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे फिल करके रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आठ मार्च है सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसके बाद कैंडिडेट्स का एक्डेमिक टेस्ट लिया जाएगा जीडी पायलट और एयर डिफेंस के लिए इंग्लिश और फिजिक्स में से टेस्ट आएगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश फिजिक्स और मैथमेटिक्स में से और वन टू सिक्स सी एस सी के तमाम कोर्सेज के लिए रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में से टेस्ट लिया जाएगा एयर डिफेंस एस एस सी ग्रेजुएट कोर्स के लिए फ़िजिक्स में से एक्डेमिक टेस्ट आएगा इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को आईएसएसबी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा आईएसएसबी एस एस बी कोहाट गुजरवाला मिलर या कोटा में टेस्ट और इंटरव्यू होंगे फाइनल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कम्बाइन मेडिकल बोर्ड लाहौर में होगा इसके अलावा जी पायलट के लिए फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा सिर्फ सी एस कैंडिडेट्स का ए एच क्यू स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के साथ इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन एयर हेडक्वार्टर्स की तरफ से मेरिट पे होगी सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को जो मराहत दी जाएंगी उनमें शामिल हैं कंपेटिटिव सैलरी पैकेज फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली पाकिस्तान के मुख्त शहरों और अब्रॉड में ट्रेनिंग और पोस्टिंग फ्री एकोमोडेशन और ट्रेन और एयर ट्रेवल पर पचास फीसद कन्सेशन इंटरनेशनली रिकगनाइज कोर्सेज और एयरफोर्स ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम की मेबरशिप इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशन भी मैंशन की गई हैं यानी अगर कोई कैंडिडेट इन में से किसी एक भी कैटेगरी में फॉल करता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकेगा अप्लाई करने से पहले इन बारह पॉइंट्स को अच्छी तरह से रीड करके तसली कर लीजिएगा मजीद इन्फॉमेशन के लिए इनमें से किसी भी पाकिस्तान एयरफोर्स इंफॉमेशन एंड सिलेक्शन सेंटर से कॉन्टैक्ट करें या अपने तमाम औरिजनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और दो दोदद पासपोर्ट साइज़ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स अपने और अपने वालद के सी एन आई सी की फोटो कापी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स इंफॉमेशन एंड सिलेक्शन सेंटर विजिट करें पुराना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या बी फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा कैंडिडेट्स के पास नादरा का स्मार्ट कार्ड होना चाहिए अगर आपको इससे मुतालिक कोई भी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक like और दूसरों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें